गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.2 उदाहरण नंबर 6। आकृति दिया हुआ एग्जाम में रहेगा और बनाना देखते हैं आकृति को। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसमें कंडीशन दे दिया है कि एबी बराबर एसी, एबी बराबर एसी है, और इसकी जो भुजा है बीसी, बीसी भुजा पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार दिया गया है कि बीई बराबर सीडी, बीई बराबर सीडी है, तो दर्शाना है कि एडी बराबर एई, यानी एडी बराबर एई ये दर्शाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब एडी बराबर एई दर्शाना होगा तो इससे इस भुजा को लेते हुए जो त्रिभुज बनेगा दो, उसको हम सर्वांशम सिद्ध करेंगे। तो इसमें देखते हैं इस भुजा को लेते हुए ये त्रिभुज बना, फिर इस भुजा को लेते हुए ये त्रिभुज बना, तो दोनों त्रिभुज को हम सबसे पहले सर्वांशम सिद्ध करेंगे। जब हम सर्वांशम को सिद्ध कर देते हैं तो कोई भुजा हो चाहे कोई कोण हो बराबर हो जाता है। सर्वांशमता का नियम है कि अगर त्रिभुज सर्वांशम हो जाता है तो कोई भुजा या कोई कोण बराबर हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं पहले हल। त्रिभुज किसमें? ए बी डी, ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई, ए सी ई में। अब देखिए पहले, सबसे पहले तो दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी, लिख देते हैं ए बी बराबर ए सी, यहां पर लिख देते हैं दिया है, ठीक है। इसके बाद जानिए कि जब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा तो इसका समकोण भी बराबर होगा, जो कि हम पिछले वाले थ्योरम में बताया गया है। तो क्या लिखेंगे? कोण बी बराबर कोण सी, रीजन लिखेंगे बराबर भुजा, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है। यहां भी हो गया। अब देखिए एक और बात दिया हुआ है कि BE बराबर CD, देंगे BE, BE बराबर, BE बराबर CD, ये भी दिया है, दिया है। लेकिन देखते हैं कि BE, VE बराबर CD जो दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज से कोई मैच नहीं खाता है। तो क्या करेंगे? इधर ये भाग को अगर हटा देते हैं तो ये वाला भाग बचेगा और ये वाला भाग बचेगा, जो कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के लिए भुजा से संबंध बनता है। तो वही काम करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पर कर देंगे साथ, प्रश्न से कर देंगे, हम प्रश्न से लिख दीजिए अच्छा रहेगा, प्रश्न से लिख दिया और इसको कुछ आगे बढ़ाएंगे। बीई, देखिए बीई में से केवल डीई को घटा ले, डीई को घटा ले, फिर इधर देखिए सी डी, सी और डी में से केवल डीई को घटा ले, डीई को घटा लेते हैं। तो कहेंगे कि क्यों घटा है? तो घटाए इसलिए कि इक्वेशन का नियम होता है कि कोई काम इधर भी कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं तो बात बराबर होता है। लेकिन मेरा काम चलेगा कि देखिए बीई में से डीई, बीई में से डीई को घटेगा तो बचेगा बीई बीडी, बीडी जो कि इस त्रिभुज से लिंक आ गया, और सीडी, सी और डी में से घटाएंगे डीई तो आ जाएगा सीई, सीई, ठीक है। ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए कि क्या, देखिए
कि ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, मतलब दो भुजा, और क्या हो गया लिखिए, ये अतः अतः एस ए एस सर्वांग क्षमता, सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगशम त्रिभुज, सर्वांगशम त्रिभुज ए सी ई, आप देख लीजिए ए बी डी और ए सी ई दोनों त्रिभुज, आपका ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगशम हो गया, तो सर्वांगशम हो गया तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं कि क्या चीज सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर ए ई, ए ई हो जाएगा, क्या चीज से डिग्रीजन लीजिए सी पी सी टी से, ठीक है, तो स्पष्ट हो गया, एक थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं, इस प्रकार से आपका ये समाप्त हुआ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू, टेक केयर।